भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पानी के लिए तरसते लोग सरकार से लगा रहे हैं गुहार। खजुराहो के वार्ड नंबर 1 खर्रोही के दर्शनपुरवा में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। अभी हाल ही में बारिश आधी तूफान के चलने से दर्शनपुरवा में बिजली अवरोध होने से कुआं का पानी नहीं निकल पा रहा है। 3-4 दिनों से कुआं के अंदर 2-3 सांप गिर गए और मर चुके हैं, जिससे वहां के लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लोगों को दूर से पानी लाना पड़ा है। लोगों ने मीडिया को जानकारी दी। नगर परिषद खजुराहो हमारे यहाँ बिजली व्यवस्था ठीक कराए और टैंकर आदि से पानी भेजे या फिर हैंडपंप लगवाए जाए। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिहलाल कुशवाहा। क्या समस्या है आपकी? अरे भाई साहब, मेरे यही समस्या में जितना आंधी चली और ना कुआ में सांप मर गए 3 ठैया जी, तो लाइट खराब हो गई, खम्मा टूट गए। अब इतनी मोहताज कहा है पानी की कि पशु और हमारे पीवी इतने मोहताज कहा है कि बहुत ज़्यादा, जो पूरा दर्शन नगर पूरा इतो परेशान कहा हो कि पानी की हालत से बहुत ही ज़्यादा परेशान कहा हो। क्या हो गया कुआ में? कुआ में सांप मर गए आंधी में। अगर पास जहाँ भी रहे हुए भगवान जाने तो उन्हें गिर गए और मर गए 3 ठैया लोग, सर सर गए। अब पानी की अगर पास कहूँ व्यवस्था नहीं है, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम तो जो चाहे कि हम नगर पंचायत है जैसे अपनी सीओ साहब हैं, कहूँ टैंकर की व्यवस्था या नल की बनवा देते, या हमारे विधायक जी हैं नाती राजा कभी बेमदद कर देते पानी की टैंकर की या हेडपम्प की, तो बहुत अच्छी कृपा आती उनकी। नहीं था तो अब काय का मालूम वैसो है, अब तो पानी बिना। जे कहाँ की घटना है? जी है खर्रोई वार्ड नंबर 1 की दासन नंगाई की हथनी भैया के पास में है।